थाने में जब जाते हैं लोग यही सवाल पूछते हैं कि बेटी कितने आदमी थे। इतने बड़े देश में एक दो घटना अगर हो जाए तो बतंगड़ बनाकर काम किया जाए ये भी उचित नहीं है। ज्यादा इसका पब्लिसिटी हो रहा है आजकल। CPIM is against the death penalty in principle. नया नारा है भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ। नमस्कार, दाल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। केंद्र सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट में संशोधन को लेकर लाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है, लेकिन रेप के मामलों पर नेताओं की बदजुबानी थमने का नाम ही नहीं ले रही। सियासत लगातार जारी है और अब तो अपनी सियासत चमकाने के लिए नेता विवादित बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने रेप जैसे संवेदनशील गंभीर मामले में गब्बर की एंट्री करा दी है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को एक दो रेप की घटनाएं होने में कोई बड़ी बात नहीं दिखती। हालांकि बयान पर सफाई देते हुए अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि मामला अगर रेयर हो तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। उधर CPM तो रेप से जुड़े कानून में फांसी की सजा पर ही सवाल उठा रही है। ऐसे में ताल ठोक के हम सवाल पूछ रहे हैं कि रेप पर कब बंद होगी नेताओं की विवादित बयानबाजी। दूसरा सवाल है कि नेताओं की बदजुबानी पर कब बनेगा कानून। तीसरा सवाल यह है कि क्या रेप के मामले पर गंभीर नहीं है राजनेता। चौथा सवाल है कि क्या रेप को पॉलिटिक्स ने बनाया है पब्लिसिटी स्टंट। और ताल ठोक के पांचवा सवाल यह है कि क्या रेप पर बदजुबानी से बचेंगी बेटी। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज के इस सबसे बड़े मुद्दे पर बहस शुरू करें, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। घर से बाहर निकल के उसकी बलात्कार हो जाती है तो थाने में जब जाते हैं लोग यही सवाल पूछते हैं कि बेटी कितने आदमी थे। इतने बड़े देश में एक दो घटना अगर हो जाए तो केवल उसको ही एक बतंगड़ बनाकर काम किया जाए ये भी उचित नहीं है। एक प्रभावी कदम सरकार उठा रही है तो ये समझ में आना चाहिए। शासन हो या सरकार, वो बलात्कारियों और अनाचारियों को दिन प्रतिदिन क्लीन चिट दे रहे हैं और प्रधानमंत्री हैं वो मौन धारण किए हैं। पूरे देश में आज महिलाएं असुरक्षित हैं, पूरे देश में आज बेटियां असुरक्षित हैं और नया नारा है भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ। माय पार्टी द CPIM इज अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी इन प्रिंसिपल। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज नॉट दैट देयर इज नो डेथ पेनल्टी ऑन द स्टैट्यूट बुक्स फॉर चाइल्ड रेप। द एक्चुअल इश्यू हियर इज that those in government are defending the rapists. Abhi zyada iska publicity ho raha hai aajkal, pehle bhi shayad ho raha hoga, malum nahi tha. ye aisa jo hadsa ho raha hai ye nahi hona chahiye hamare desh mein, isme iski wajah se hamare desh ka bhi naam kharab hota hai. तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। उस चर्चा में आज जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, यूपी ABVP के राज्य सचिव वो रह चुके हैं। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा हैं, नेता हैं CPM के, 15 साल CPM की सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, JNU में छात्र संगठन SFI से जुड़े रहे हैं, क्रिटिक हैं, लेखक हैं, कवि के तौर पर भी उनकी अपनी पहचान है। हमारे साथ सर्वेश तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, यूपी और बिहार की राजनीति के वो जानकार हैं।
हमारे साथ इस चर्चा में आज जूही सिंह भी शामिल हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, यूपी में बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ योगिता भयाना हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल डेवलपमेंट और जस्टिस से जुड़े मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखती हैं, महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दे वो उठाती रही हैं। दिल्ली में बेघरों के लिए रैन बसेरा भी उन्होंने बनवाया है। और साथ ही साथ हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं, शिवसेना नेता हाजी अराफात शेख, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत राकेश त्रिपाठी, मैं आपसे कर रही हूँ। आपकी सरकार वैसे तो बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा की बात कर रही है, लेकिन आप ही सरकार के मंत्री कहते हैं कि देश में एक दो घटनाएं तो हो जाती हैं, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। ये एक आम बात है, रेप की घटनाएं आम बात है। नहीं मीमांसा जी, मुझे लगता है कि उनकी बात को संदर्भों से अलग करके देखा जा रहा है। उन्होंने पहले ही कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए और सरकार को जो कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार वो कठोर कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस संदर्भ में जो कठोरता का कानून फैसला लिया है, जिसको कैबिनेट से पास किया है, मुझे लगता है कि सरकार के नाते जो दायित्व है सरकार वो दायित्व पूरा कर रही है। मैं मानता हूं कि रेप एक ऐसा अपराध है जिसकी शारीरिक प्रताड़ना से ज्यादा बड़ी मानसिक प्रताड़ना होती है और इसलिए इसके साथ बात करते समय, इसके संदर्भ में बोलते समय संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। चाहे उन्होंने संवेदनशीलता का ध्यान रखा करता हूं या स्वयं मीडिया ही क्यों ना, राकेश जी उन्होंने संवेदनशीलता का ध्यान रखा? नहीं देखिए मीमांसा जी, उन्होंने जो बात कही है मुझे लगता है कि अगर उसको सही संदर्भों में देखा जाए, उन्होंने कहा कि एक दो घटनाओं को जिस तरह से बतंगड़ बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है। एक दो घटनाएं राकेश जी, आपकी इंफॉर्मेशन में अपडेट कर देती हूं। हर दिन 106 बलात्कार होते हैं इस देश में, हर घंटे 4 बलात्कार, 38,947 बलात्कार की घटनाएं और आप कहते हैं एक दो घटनाएं। नहीं बिल्कुल नहीं, आप मेरी भी बात को गलत संदर्भ से पेश कर रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि एक दो घटनाओं को मीडिया में जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं एक दुखद सत्य आपके सामने उद्घाटित कर रहा हूं जिसको उद्घाटित करते समय मेरा सर्व से झुक रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर दूर पर एक ऐसी घटना घटी है जो मीडिया की सुर्खियां नहीं बनी है, जहां एक बाप के ऊपर अपनी बेटी के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं रोज रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन मीडिया की सुर्खियां जिस तरह से एक दो घटनाएं बनी है जिसके आधार पर पॉलिटिकल तरह के ब्लेम गेम के काम किए जा रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने सिर्फ आपके पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तमाम अक्रॉस द पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं। सर्वेश तिवारी, आप देखिए रेणुका चौधरी का बयान आपने सुना है, इतना संवेदनशील मुद्दा, इतना गंभीर मुद्दा और उन्हें फिल्मी डायलॉग उस टाइम पर सूझ रहा है। गब्बर को याद कर रही हैं, वो गब्बर कैसे बोलते थे, वो उस अंदाज में वहां पर पूछती है पुलिस कितने आदमी थे। मीमांसा जी, अभी ना राजनीतिक बात करने का बिल्कुल समय नहीं है और जो भी कर रहा है इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है उसको मैं उचित नहीं मानता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। रही बात देश की समस्या की, तो आज जो स्थिति है वो बहुत नाजुक हो गई है और आप देखिए कि मैं आज ही वो सर्वे पढ़ रहा था कि भारत में सबसे ज़्यादा रेप मध्य प्रदेश में और उसके बाद राजस्थान के जोधपुर का नंबर आ जाता है और देश में जो कार्रवाई की संख्या है वो जो निष्पादन होता है वो सिर्फ 26% के आसपास निष्पादन होता है ऐसे केसेस का, तकरीबन 38,000 के आसपास, आपने कहा मेरी जानकारी के हिसाब से 40,000 के आसपास घटनाएं होती हैं। और इन घटनाओं के का अगर हमने जब जोड़ तोड़ किया तो असली पता चला कि सिर्फ 6-7% रिपोर्ट की जाती है रेप की घटनाएं, जिसका मतलब ये निकलता है कि 40,000 तो सिर्फ 6-7% जो घटनाएं होती हैं देश में। मैं देखिए संख्या पर नहीं जा रही हूं आज, सवाल ये है कि नेता इसको लेकर सीरियस हैं कि नहीं हैं, वो सीरियसनेस तो नजर ही नहीं आ रही है। आप उनके बयान सुनिए और सब पार्टियों के नेताओं के सुन लीजिए आप। मैंने अभी तो गंगवार साहब की बात सुनी थी, जरूर उन्होंने जो बात कही थी, और किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी इस समय अगर संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है तो उस वो शर्म की बात है हमारे देश के नागरिक होने के नाम पे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। उन्होंने ठीक बोला जो बोला,
नहीं, मैंने साथ साथ सबका नाम लिया, मैंने 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 किसी भी पार्टी का नहीं कहा, मैंने कहा किसी भी पार्टी का कोई भी शख्सियत आज अगर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है इस मुद्दे पे, तो वो शर्मसार करने वाली बात है। ये सोचने की और समझने का भी समय नहीं है, ये कार्रवाई करने का समय है और एक्शन लेने का समय है। चलिए, जूही सिंह भी हमारे साथ हैं। जूही सिंह, आपको तो याद होगा ये रेणुका चौधरी जी ने पहले भी ये बात बोली थी, रेप तो चलते रहते हैं, ये शायद बुलंदशहर गैंगरेप का मामला था और उस वक्त जब ये सरकार ने कदम उठाया था आपका और आरोपी जो गिरफ्तार हुए थे उनकी ओर से ये स्टेटमेंट तब भी दिया गया था। और हैरानी तो ये होती है कि जो खुद महिला और बाल कल्याण मंत्री रह चुकी हैं वो इस तरह के बयान दे रही हैं और एक महिला होते हुए भी इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मीमांसा जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, बयान बयान होता है, उसको संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो वही समझा जाता है जो पब्लिक समझती है। और अगर आप कर नहीं सकते कुछ इस बारे में तो टीका टिप्पणी भी मत करिए, इतनी आशा हमें अपने सब जनप्रतिनिधियों से रखनी चाहिए अक्रॉस दी पार्टीज। अगर कोई भी व्यक्ति बलात्कार पे बयान देता है तो वो गलत करता है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो। दूसरी बात, बार बार हम लोग इसको कह रहे हैं कि संवेदनशीलता, न्याय तो बच्चियों का, महिलाओं का अधिकार है। आपने कल भी ये मुद्दा उठाया था, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी ये कानून है लेकिन क्या रेप की संख्या घटी? नहीं घटी। तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत है, चाहे वो गंगवार जी हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे आप हमारी भी पार्टी के मैं वही बोलने वाली थी। आपकी पार्टी के मुखिया तो कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती है, डेथ पेनल्टी की बात आई थी तो उन्होंने ही इसका विरोध किया था और वो तो ये भी कहते हैं कि चार लोग मिलकर एक महिला का बलात्कार नहीं कर सकते। आप सोचिए किस एक्सटेंट तक नेतागण जाते हैं। मुझे तो हैरानी होती है ये देख, उसका कोई डिफेंस नहीं है। मीमांसा जी, ना मैं उसको संदर्भित करूंगी, ना उसको डिफेंड करूंगी और ना मैं ये कहूंगी कि मैंने तब क्या कहा और तब भी गलत कहा। गलत है, गलत गलत है और सही सही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का बयान दे रहा है उसको आगे से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि महिलाओं को तो उसको बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से स्पष्टवाचा से यहाँ कह रही हूँ, आप कुछ करिए इस विषय में। आप अगर MP, MLA, जनप्रतिनिधि, बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष कुछ भी हैं तो महिलाओं के लिए कुछ करिए क्योंकि ये उनके अधिकार की बात है। किसने किसका रेप किया, कौन कितने वर्ष का था, जस्टिफाई नहीं करता है क्योंकि अत्याचार तो उस महिला या उस बच्ची के साथ हो रहा है। जी जी, अनिला सिंह भी हमारे साथ हैं। अनिला सिंह, पार्टी की सांसद कह रही हैं आपकी कि अपराध तो पहले भी होते थे लेकिन अब पब्लिसिटी ज्यादा होती है, अब ये पब्लिसिटी कर कौन रहा है? मीमांसा जी, अपराध तो महिलाओं के प्रति, या मैं कहूं महिला अपराधीकरण या महिला को बारंबार शर्मसार करना, ये आज नहीं हजारों वर्ष से चल रहा है। क्या द्रौपदी की बात करें, क्या सीता की बात करें हम, और हम आज की तारीख में कितनी ही माँ बेटी बहनों की बात करें, ये जो पुरुषवाद मानसिकता का हमारा समाज है किस प्रकार से यहाँ पर महिला जो किसी भी रूप में हो उसको बारंबार शर्मसार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी के महिला सांसदों से तो कम से कम आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मुझे महिलाओं का मुद्दा, अत्याचार का मुद्दा, 5 सेकंड दे रेप जैसा गंभीर मुद्दा और आप इतने हल्केपन में उसको प्रस्तुत करते हैं तो कैसे न्याय की उम्मीद की जाए, कैसे न्याय की उम्मीद की जाए? नहीं नहीं, मैं देखिए ऐसा नहीं, ये तो बता दीजिए, ये पब्लिसिटी कौन कर रहा है? राजनीतिक दल ही कर रहे हैं ना ये पब्लिसिटी। मैं बोल, आप मुझे मौका दीजिए, मैं बोल रही हूँ। हमारे पैनल पे भी मैं हूँ, जो ही है भावना है, आप हैं, या मैं कहूंगी कोई भी महिला हो, चाहे हेमा मालिनी जी हो, चाहे वो रेणुका जी हो, मैं पूरे पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि कोई भी महिला दूसरे महिला को शर्मसार करे ऐसा कभी बयान नहीं दे सकती है। हो सकता है कि अपने जो भाव हैं वो अपने शब्दों में ठीक प्रकार से उसको ना जता पा रही हो, परंतु मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि कोई भी महिला जो है बलात्कार जैसी घटना को हल्का बताएगी। आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, इतना मैं, मुझे महिलाओं पर विश्वास है। और बिल्कुल जिस प्रकार से कदम उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे गर्व है इस देश के। चलिए, योगिता हमारे साथ ही, योगिता आपको भरोसा हो पा रहा है पार्टी पर कि मैं महिला सांसदों के बयान सुन लीजिए और सांसदों के बयान सुन लीजिए, नेताओं के सुन लीजिए। विमान साहब, मुझे अच्छे से याद है पिछली बार जब हम डिबेट एक बार यहाँ पर कर रहे थे वो रेणुका चौधरी जी को किसी ने स्वरूप नखा बोल दिया था तो उसपे हमने चर्चा करके उन्हीं का पक्ष लिया था कि ये गलत है। एक
वो बयान रेप से बहुत कम गंभीर था, रेप जैसा तो गंभीर नहीं भी था, तब भी उन्होंने, उनकी पार्टी ने और उन्होंने इसका बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और हमने भी सपोर्ट किया था उनको, बट पर आप देखिए रेप जैसे मुद्दे पर इस तरह की टिप्पणियां बहुत ही शर्मसार करती हैं, स्पेशली वो लेडी जो खुद इतना सेंसिटिविटी की डिमांड कर रही थी अपने पर जब टिप्पणी हुई। मुझे लगता है इसमें ऐसे नेताओं को, जो कि समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबने रेप को भुनाया है, सबने रेप के ऊपर रोटियां सेकी हैं और किसी ने भी कुछ रेप के को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। मुझे शर्म आती है, सिर्फ धरना पॉलिटिक्स करते हैं कुछ नहीं, और उसमें सबसे ज्यादा गलती पता है हमारी जनता की है, क्योंकि हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं और ऐसे लीडर्स चुनते हैं जो इतने असंवेदनशील होते हैं, फिर भी हम उन्हें वोट देते हैं और सत्ता देते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को भी मैं अपील करना चाहूंगी, प्लीज देखिए आप अपना लीडर चुनते हैं तो देखिए कितना सेंसिटिव है। अगर आप रेप को सच में रोकना चाहते हैं तो उस सेंसिटिविटी को देखना जरूरी है, और इसमें कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी बराबर बनती है। जी सुनील चोपड़ा भी हमारे साथ हैं। सुनील चोपड़ा, आपकी पार्टी तो कह रही है कि इन प्रिंसिपल डेथ पेनल्टी के खिलाफ है, तो क्या अपराधियों को छोड़ दिया जाए? सवाल अपराधी को छोड़ने का तो है नहीं, सवाल ये है कि अपराधी को पकड़ेगा कौन? आप डेथ पेनल्टी दें या ना दें, हमारे पास बहुत तथ्य हैं कि डेथ पेनल्टी देने से भी इस तरह के जो अपराध हैं वो चलते रहते हैं। क्यों? हमको समझना पड़ेगा। आपने सूरत का केस देखा है, ये मोदी जी के गुजरात का ही है, और वहां पर हमने क्या देखा, 35,000 रुपए के लिए मां बेटी बेची गई थी आज के गुजरात में, और फिर मां बेटी दोनों की हत्या की गई। अब मोदी जी क्या करेंगे वहां जाके? किसी का इंटरेस्ट है उसको रोकने में? सुनील जी, आप विपक्ष में हैं तो बस आपको आलोचना करनी है। देखिए प्रैक्टिकली जरा सोच के देखिए, आप ये भी कहते हैं कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन इन प्रिंसिपल आप डेथ पेनल्टी के खिलाफ हैं। अरे सजा का प्रावधान नहीं होगा तो अपराधी को सजा कैसे देंगे आप? क्या खौफ नहीं होना चाहिए उसके मन में? क्या डर नहीं होना चाहिए उसके मन में? विधायक ने इनकी जो सिर्फ रेप नहीं किया, एक साल उस मामले के दौरान कर्नाटक में देखिए लड़की के बाप को मार दिया। प्रिवेंशन के लिए जरा हम भी सुनना चाहते हैं कि आपने रेप कैसे रोक लिया? अगर आपने पश्चिम बंगाल में जब आप थे तब आपने क्या किया, जरा बताइए। सबसे ज्यादा केसेस मेमांसा पश्चिम बंगाल में होते हैं, मैं खुद पश्चिम बंगाल के केसेस डील कर रही हूं। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार नहीं है, शर्म अभी नहीं है, नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं होती, अपराध की घटनाएं अब होने शुरू नहीं हुई हैं इस देश में। इतना ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है और होता आया है, क्या इस चीज से नकार सकते हैं? बहुत गंदी पॉलिटिक्स, बहुत दुख होता है। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये ट्रैफिक जा कहां रहा है। सर तो आप अपने एक्सपर्ट राय बता सकते हैं ना, आप अभी तभी क्यों जानते हैं जब आप विपक्ष में होते हैं, जब सत्ता पार्टी में होते हैं तब आपका दिमाग बंद हो जाता है रेप को कैसे रोकना है। बस जब जैसे ही आप विपक्ष में आ जाते हैं आपकी सारी इंटेलेक्चुअल पावर्स एकदम से एक्टिवेट हो जाती है और चाहते हैं कि रेप रुक जाएगा और रेप होना ही नहीं चाहिए, बट उसके लिए काम कौन कर रहा है? काम तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा, सिर्फ राजनीति करते हैं आप लोग। आज तक अगर आपने काम किया होता तो कुछ इस मुद्दे पर पहल करी होती तो काफी चीजें बदल गई होती। आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ राजनीति करते हो आप लोग। सरकार के इलाके मिलेंगे जहां सबसे ज्यादा रेप है। देखिए फिर से आप रेप को एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा ही बना रहे हैं। आप सीरियसली आपका दल हो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने से आगे आप सोचते नहीं हैं, और आप ये हकीकत है। धरना प्रदर्शन दे दीजिए, कैंडल मार्च निकाल दीजिए, कैसे आपके खाते में वोट बढ़ जाएं, आप इस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कैसे देश में हालात बदलने के लिए कुछ करना होता है तो आप अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। ये सब आरएसएस के मेंबर हैं। नहीं बताइए तो सही ना, क्या होना चाहिए फिर? शामिल होती है कि नहीं? बोलना बहुत आसान होता है जब आप विपक्ष में होते हैं। पुरुष प्रधान और रेप करने वाले लोग हैं। राकेश जी मुझे ये बताइए बदला क्या है लोगों के लिए? निर्भया रेप के बाद 40% रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है राकेश त्रिपाठी, ये फैक्ट है।
बदला क्या है? निर्भया के बाद हमने देखा बीजेपी सड़कों पर उतरी और अब कैंडल मार्च लेकर मोमबत्तियां लेकर कांग्रेस उतर गई है सड़कों पर। क्या बदला है लोगों के लिए? देखिए मीमांसा, मैं मानता हूं कि इसमें अलग अलग स्तर पर कई जगह हमको प्रयास करना होगा। एक तरफ कठोर कानून के कारण हमको अपराधियों के मन में भय भी लाना होगा, वहीं सामाजिक जागरण करके हमको महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने की भूमिका भी अदा करनी होगी। प्रधानमंत्री जी ने जो बात लाल किले से कही थी कि घर से बाहर निकलते समय जब हम बेटी से पूछते हैं कि बेटी रात को कहां जा रही हो, ये प्रश्न हमको बेटे से भी पूछना होगा। मुझे लगता है कि जब हम परिवार में, विद्यालयों में, जब कार्यस्थल पर हम इस प्रकार के मामलों में जीरो टॉलरेंस रखेंगे कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की छेड़खानी पर भी हम पूरी तत्परता से कार्रवाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की तत्परता से कार्रवाई राकेश त्रिपाठी दिखाई दी थी उन्नाव में जो हुआ था, उसके बाद आपने विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी? माननीय ये बोला गया था उनको, और आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देते। सीबीआई के पाले में आपने गेंद डाल दी थी, ये किया था आपने तत्पर होकर कार्रवाई। देख रहे स्पेशल एडिशन ताल ठोके का, और बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा का नया कानून तो आ गया, लेकिन सवाल यह है कि नेताओं की जो बदजुबानी है रेप के मामलों पर, वो आखिरकार कब बंद होगी? और हमारे साथ शिवसेना नेता हाजी रफात शेख भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हाजी रफात शेख, मुझे याद है शिवसेना तो बहुत ही लंबे वक्त से ये मांग उठा रही थी कि जो दोषी हैं बलात्कार के, उन्हें एक महीने के भीतर ही फांसी की सजा दे दी जानी चाहिए। अब ये नया कानून तो आ गया, लेकिन जो नेता बदजुबानी करते हैं उन पर भी तो नया कानून आना जरूरी है। बिल्कुल, ये जो घटना घटी है और जिस तरीके से ये चीज़ पूरे देश भर के अंदर हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के खिलाफ ये सारी चीज़ें होने के बाद, इस तरीके के एक महिला नेता के, बिल्कुल उनके ज़बान से ये अच्छी बात नहीं लगती कि हम एक महिला नेता और एक बड़े नेता अगर इस तरीके की अगर बात करते, हम क्या उनके घर में औलाद नहीं है, उनकी बेटियां नहीं है? अगर उनके बच्चों के साथ अगर होता तो कितनी बुरी बात होती है। बिल्कुल, ये ऐसे लोगों के ऊपर भी, ऐसे नेताओं के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए कि इस वक्त पे अपनी सस्ती राजनीति के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करते रहते, तो ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और उसके अलावा आज पूरे देश भर में ये सारी चीज़ें चल रही है। मैं पूछता हूँ कि कानून का तो स्वागत हम करते हैं कि आज जिस तरीके से कड़क कानून आया, जैसे शरीयत का कानून है, आज शरीयत के अंदर आप सऊदी अरब में अगर जाके देखेंगे, इस तरीके किसी ने चोरी किया तो उसका हाथ काट दिया जाता है, किसी ने अगर कभी हत्या की तो हत्या की जाती है, किसी ने गलत और महिला के तरफ या सऊदी बच्चियों की तरफ देखा तो उसकी गर्दन काटी जाती है। ये हर चीज़ के ऊपर सरकार ने कड़क कानून लाना चाहिए, जिसके वजह से, ये तो अभी हो गई बात एक रेप की, आज एक बच्चियों के ऊपर रेप हो रहा तो ये कड़क कानून आ गया। और भी बहुत सारी चीजें देश भर में होती है। हम हमारे देश में रहने के बाद हम जब देश सुजलाम सुफलाम बोलते हैं और हम हमारे देश में सेफ नहीं है, हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, हमारी माँ सेफ नहीं है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे देश के लिए। और फिर दुख इस बात से होता है कि नेता इस तरह की बदजुबानी करते हैं, राकेश त्रिपाठी, और ये संतोष गंगवार ही नहीं है आपकी पार्टी में। आप याद कीजिए बाबूलाल गौर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध इस बात पर निर्भर करता है कि महिलाएं क्या कपड़े पहनती हैं, वो मंदिरों में नियमित जाती हैं या नहीं जाती। मुझे बताइए जरा, कठुआ में वो 8 साल की बच्ची, इंदौर में 5 महीने की बच्ची, सूरत में क्या हुआ, 11 साल की बच्ची के शरीर पर 86 निशान, कपड़ों से तय करेंगे आप अपराध? शर्म आनी चाहिए नेताओं को। नहीं मीमांसा जी, इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस तरह के बयान किसी भी तरह से शर्मनाकी कहे जाएंगे, और जो भी लोग बलात्कार करते हैं वास्तविक तौर पर मनोचिकित्सक से उनको इलाज की आवश्यकता है, ये मानसिक विकृति है। लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक्शन लें नेताओं के खिलाफ। यहाँ टीवी पर बैठकर ये ज्ञान देने से बात नहीं बनेगी। राकेश जी, आपको पार्टी से उनको निष्कासित करने में कितना समय लगता है? क्यों आप इतना सोचते हैं, क्यों नहीं आप निष्कासित कर देते हो पार्टी? ऐसे लोगों पे एक्शन लीजिए तो हम लगेगा कि आप सुरक्षित रहता है। आप एक्शन लीजिए ना उनके अगेंस्ट, क्यों नहीं आप बोलते कि हम ऐसे बदजुबानी बोलने वालों को जनता के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, क्यों नहीं निकाल देते पार्टी से आप? ये देखिए, ये बात बोलने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, सब नेता आकर ये बोलते हैं, एक्शन कोई क्यों नहीं लेता? आपकी पार्टी में जब ये नेता बोलते हैं जूही सिंह, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनके खिलाफ आवाज उठाएं?
क्यों नहीं दिखाई देता ये एक्शन? मीमांसा जी जहां आवाज उठा, हाँ जहां आवाज उठानी होती उठाते हैं, और ये केवल राजनेताओं पे क्यों कहा जा रहा है? क्या समाज में और लोग नहीं है जो अभी मैं सुन रही हूँ मेरा मौका, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि राजनेता रोटी सेकते हैं? बिल्कुल सेकते हैं। जो कानून आया आपके लॉ मेकर नहीं बनाया, आप उनको वोट दे रहे हैं, तो हमारा सरकार चलाते हैं, क्या मतलब है? पैसा लेते हैं वो जनता का अभावी तो सामाजिक कार्यकर्ता है ना मैडम, इनसे जरा सा अकाउंटेबिलिटी भी लीजिए। समाज की जिम्मेदारी अपनी है, पर राजनेताओं की जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। और जिम्मेदारी समाज में तो बदला बाद में आएगा, आपकी ओर देखते हैं लोग उम्मीदों से जुड़े से। लीडर बोला जाता है, लीडर है आप, कार्यकर्ता आप, लोगों को लीड करने की जिम्मेदारी है, उन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, आपको इसीलिए उस ओहदे पर रखा गया है। उठा भी रही हूँ, इनको चुप कराइए। ये जो मैडम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तब से मैं सुन रही हूँ, क्या सारे राजनेता आपको ऐसे दिखते हैं? हम तो सबकी बात नहीं कर रहे हैं ना मैडम, हम तो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि हम किन-किन राजनेताओं की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बैठकर बातें बिल्कुल सही बातों का सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को मान रहे हैं, रोटियां नहीं सेक रहे हैं। बिल्कुल रोटियां सेकते हैं, आप नहीं सेक रहे हैं तो बाकी राजनेता सेक रहे हैं, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं इतना पर्सनल? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है मीमांसा, ये बात बिल्कुल सही है कि सभी को मीमांसा हाईकोर्ट के उस आदेश को भी देख लेना चाहिए जो कठुआ के मामले में भी विशेष तौर पर है। मैं मीमांसा जी एक बात केवल जल्दी से जोड़ दूं, बोलिए, कठुआ के मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने जो हालिया आदेश किया है मीडिया संस्थानों पर, मुझे लगता है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। क्या मीडिया ने आपस में किसी एसोसिएशन ने इस बात पर अब तक तय किया कि कठुआ के मामले में पीड़िता का नाम सार्वजनिक क्यों किया गया? इस संदर्भ में नहीं किया, जिस तरह से पेश किया हमने बिल्कुल उसको फॉलो किया है। मैं जी न्यूज़ पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, हाँ, तो मैं जी न्यूज़ पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन तो बाकी मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है, मैं उन पर जवाब नहीं दूंगी, जुर्माना इंपोज किया, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगी। राकेश जी, मेरा सवाल सीधे सीधे नेताओं से है, सीधे सीधे जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और आपको एक्शन लेकर दिखाना होगा, सिर्फ जुमलेबाजी से बात नहीं बनेगी। राकेश जी, शैक्षिक संस्थानों की भी है और परिवारों की भी है। अच्छा संजय जी, मुझे आप एक बार बताइए, मैं जरूर कहूंगा, एक मिनट, कैसे राजनीति होती है जरा सुनिए। जो नारे दे रही है कांग्रेस पार्टी, मेक इन इंडिया रेप इन इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी छिपाओ बलात्कारियों से बचाओ, देश बदल रहा है, बेटियों के साथ रोज रेप हो रहा है, क्या हो रहा है? ये सियासत चमकाने की कोशिश से नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? मैंने नहीं चमकानी चाहिए, जो भी चमका रहा है गलत कर रहा है, बट साथ ही साथ सरकार को सजग होने की जरूरत है और ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया हम लोगों ने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद आपको पता है कि 14 जजेस 10 लाख लोगों के ऊपर आते हैं। आज 10 लाख लोगों की जिम्मेदारी अगर 14 जजेस के ऊपर आ जाए तो क्या खाक डिसीजन आएंगे? जो जुडिशियल सिस्टम में देखिए जो बदलाव होने चाहिए उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो नेताओं की जिम्मेदारी है आज आप उस पर बात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मुद्दा नेता कितने गंभीर है आपने बना दिया, लेकर मेरा सीधा सीधा सवाल चैनल सुनीत कुछ बोलना चाह रहे हैं, गंभीर एक मिनट, गंभीर हर इंसान को होना पड़ेगा जिम्मेदारी, गंभीर सिर्फ नेता को नहीं होना पड़ेगा या सामाजिक कार्यकर्ता, सबकी जिम्मेदारी है। माइंडसेट बदलने के बारे में बात चर्चा कर चुके हैं, कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी कि कैसे वो बदलाव लाना होगा और हर स्तर पर लाना होगा, लेकिन जब नेता ही इस तरह की बदजुबानी करेंगे तो आप कैसे इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? एक एक नेता पे इतने इतने बिल्कुल गलत है, और आप कानून भी लेकर आ रहे हैं, मेरा कहते हैं आम बात है, एक दो घटनाएं तो हो जाती है देश में, क्या समझे समाज का नागरिक, क्या समझे? बहुत गलत है जो लोग ये स्टेटमेंट देते हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन आज की मीडिया ट्रायल जो किया था समाधान भी सोचना बहुत जरूरी है और उस पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। मीडिया ट्रायल नहीं कर रही हूं, मेरा सीधा सीधा सवाल है, उसका जवाब आपके पास आज नहीं है। कौन करेगा मीडिया ट्रायल की बात आज आप मत कीजिए। मैंने आपसे पूछा कि नेताओं की जिम्मेदारी क्या वो निभा रहे हैं, बदजुबानी हो रही है या नहीं हो रही है, हाँ या ना? निश्चित तौर पर बस फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और एक्शन लीजिए ऐसे नेताओं के खिलाफ। अगर एक एग्जाम्पल तो आपको सेट करना होगा ना राकेश जी, सरकार में आप हैं। मीमांसा जी देखिए, आप संतोष गंगवार जी के बयान, किसी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया है, एक भी पार्टी ने नहीं लिया है, एक साल लग गए, तो इसका मतलब कहां ये लोग आप संतोष गंगवार जी के बयान को पूरा सुन लीजिए और उसके बाद बताइए उन्होंने गलत क्या कहा है।
चलिए सुनीत जी कुछ बोलना चाह रहे थे, एक बार मैं स्क्रीन पर उनको चाहूंगी, वो अपनी रिएक्शन दे दें यहाँ पर। सुनीत आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो परंपरा है, आप महाभारत ले लीजिए, द्रौपदी का चीरहरण है, आप तुलसीदास को सुनिए तो वो क्या कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के ही अधिकारी। तो जब तक हम इन चीजों को क्वेश्चन नहीं करेंगे, और ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, सब पुराने धर्मों में महिला को दो नंबर पे रखा जी। जिस परंपरा का आप जिक्र कर रहे हैं वो परंपरा तो कहीं पीछे छूट चुकी है, ध्यान देना चाहिए समाज में। हाँ, तो वो जिम्मेदारी नेता लेंगे कि नहीं लेंगे? सुनील जी कोई जवाब मुझे सीधे सीधे तौर पर दे नहीं रहा है आज। आप रेप को देख लीजिए, सुबह तो अछूत प्रथा चलती है, शाम को दलितों की बस्तियों में जाकर। सुनी जी मुझे एक लाइन में बता दीजिए, जो बदजुबानी रेप के मामलों को होती है से हटना पड़ेगा, वो बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप राजनीतिक दल क्या ये एक्शन लेने के लिए तैयार है, या आपको अपनी गिरफा में झांकना होगा आज? सवाल बहुत सीधा सा है, कभी भी हम किसी राकेश जी मैं चाहूंगी क्लोजिंग कमेंट। आज जी न्यूज के दर्शकों को आप यहाँ भरोसा दे देंगे, विश्वास दिला देंगे, क्लोजिंग कमेंट। राकेश जी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं आपके हाँ का इंतजार कर रही हूँ, आप एक्शन लेंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल मीमांसा जी, मैंने पहले ही बात, क्लोजिंग कमेंट, मैंने सबसे पहली ही बात कही कि रेप एक ऐसा मामला है जो मानसिक प्रताड़ना ज्यादा बड़ी खड़ा करता है शारीरिक प्रताड़ना की तुलना में। ऐसे मसले पर बोलते समय, ऐसे मसले पर कोई एक्शन करते समय पूरी संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी, शैक्षिक संस्थानों के लिए भी और मीडिया संस्थानों के लिए। राकेश जी मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे इस तरह के राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से इस तरह की बयानबाजी, आप उस पर लगाम लग जाएगी, मैं भरोसा कर रही हूँ, लेकिन फिर कोई होगा तो आपको ही मैं चर्चा में यहाँ पर शामिल करूंगी, याद रखिएगा ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।